हेलो गाइस, इंटरनेट की दुनिया में आपका हमारी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आजकल आपने ट्रू कॉलर के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रू कॉलर आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। वो क्यों है वो भी हम आगे जानेंगे। और ट्रू कॉलर क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर कोई नंबर सेव नहीं होता है, उसके बाद भी आपको कोई कॉल आता है और या फिर मैसेजेस आते हैं, तो आपके मोबाइल में उसका नाम दिखा देते हैं। वो सब कैसे होता है, ट्रू कॉलर कैसे वर्क करता है, वो सही है कि गलत, और आपको ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनिल लहरी एंड यू वॉचिंग थाउनेस बाबा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ट्रू कॉलर आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। वो क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहले तो जानते हैं कि ट्रू कॉलर क्या चीज़ है और वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों आपको बताना हो तो बता दूँ कि प्ले स्टोर में आप सर्च करोगे ट्रू कॉलर तो उसमें 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड करके रखा है। यानी कि रिपोर्ट की माने तो 140 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र उसमें एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, और ये ट्रू कॉलर का काम है कि आपके पास कोई नंबर सेव नहीं है, उसके बाद भी उसका नाम आपको डिस्प्ले करा दे। दोस्तों वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रू कॉलर करता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल है और मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है, तो पहले मेरे मोबाइल में ट्रू कॉलर जब भी मैं इंस्टॉल करता हूँ तो उसमें मुझे परमिशन देनी पड़ती है, जो कॉल लॉक्स की और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स की परमिशन होती है, वो परमिशन उसमें मुझे देनी पड़ती है। हालांकि आप सब लोग वो परमिशन को रीड नहीं करते होंगे, लेकिन एक बार रीड करके देखना, वो दो परमिशन ही आपको अलाउ करनी रहेगी। जैसे ही आप परमिशन अलाउ करोगे, आपके सारे डेटा वो रीड कर लेते हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट्स अपने डेटाबेस में अपने सर्वर में सेव कर लेते हैं, और आपका जो कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर्स है, जितने भी नाम्स है, और वो सब जो डेटा है वो उसके सर्वर में, उसके डेटाबेस में सेव्ड हो जाता है, उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से मेरा डेटा उसके पास चला गया, उसी तरह से आपके मोबाइल में भी जब भी आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करोगे, आपका डेटा भी उसके पास इसी तरीके से स्टोर हो जाता है। यानी कि घुमा फिरा के बात करें तो ये क्या चीज़ हुई, अगर मैं आपको कॉल करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास सेव नहीं है, तो जैसे ही मैं आपको कॉल करता हूँ तो वो पहले ट्रू कॉलर के डेटाबेस में चेक होता है, जैसे वो नंबर उसके साथ मैच कर जाता है तो वो नाम उसके मोबाइल में डिस्प्ले करा देते हैं कि भाई ये मोबाइल, ये जो नंबर है वो इस भाई का नंबर है। हालांकि दोस्तों अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ नहीं करते हो, उसके बाद आप मुझे फ़ोन करते हो, उसके बाद मुझे आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा लेकिन आपका नाम उसमें दिखाई नहीं देगा। यानी कि घुमा फिरा के बात करें दोस्तों, तो अपना ही डेटा वो ट्रू कॉलर वाले पहले डेटाबेस में स्टोर करते हैं और वो डेटाबेस आपको या फिर मुझे डिस्प्ले करा देते हैं। दोस्तों बात ये हुई कि हमारा ही डेटा हमको ही डिस्प्ले कराते हैं दोस्तों, तो ये ट्रू कॉलर ऐसे काम करता है। अभी ट्रू कॉलर चर्चा में कैसे है वो हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपने UPI का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों UPI होता क्या है, UPI मतलब हम हाथों हाथ अपने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपको सवाल होगा कि हाथों हाथ मतलब क्या, यानी कि दोस्तों मैं अपने मोबाइल में से आपको सेंड करता हूँ मनी और आपके मोबाइल में तुरंत ही रिसीव हो जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप मोबाइल में किसी को मैसेज भेजते हैं, उतनी ही तेज़ी से UPI में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है UPI। अभी बात करते हैं कि UPI यूज़ कैसे करना है और आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सरकार ने भी एक भीम UPI करके एक एप्लीकेशन निकाली थी, क्योंकि हम डिजिटल उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि अपना इंडिया डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने वो एप्लीकेशन निकाली थी, उसमें ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये UPI जो है वो अभी ट्रू कॉलर बेस के साथ कनेक्ट किया गया है। वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, अभी जो नया अपडेट ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का आया है वो अपडेट है 10.41.6। दोस्तों ये अपडेट आपने इंस्टॉल किया या फिर नहीं किया, फिर भी आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही वो इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपके पास कुछ भी परमिशन नहीं मांगते हैं, डायरेक्टली आपका UPI जो है वो आपके बैंक के साथ रजिस्टर किया जाता है। दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोगों को आया है, इसी लोगों में से एक है धीरज कुमार नाम का एक बंदा है, उसने ट्विटर में ट्वीट किया था दोस्तों कि मैंने कुछ भी परमिशन नहीं दिया है, मैंने कुछ भी UPI के साथ भी रजिस्टर नहीं किया, फिर भी मुझे ये मैसेज आया है। दोस्तों ये मैसेज उसने ट्विटर में भी ट्वीट किया हुआ है, यानी कि उस मैसेज में लिखा हुआ था आपका UPI जो है वो आपके बैंक के साथ रजिस्टर किया गया है, अगर आपने वो रजिस्टर नहीं किया है तो आप बैंक में जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वो बंदा बैंक में चेक करने के लिए गया तो बैंक में से ऐसा बताया गया
कि हम लोगों ने ये सब कुछ भी नहीं किया है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ट्रूकॉलर की तरफ से है। तो दोस्तों, ट्रूकॉलर के रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा ट्रूकॉलर ने बताया है कि ये जो एक अपडेट था वो बग रिपोर्ट था, यानी कि बग ऐसा बोले तो एक टेक्निकल इश्यू था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये UPI के साथ ट्रांजैक्शन जो होते हैं, UPI रजिस्टर किया जाता है, वो कैसे बग रिपोर्ट हो सकता है, वो कैसे टेक्निकल इश्यू हो सकता है। कई लोगों ने ऐसा भी बताया है वो एक सोचे समझी चाल थी उसकी, क्योंकि वो लोग पैसे ट्रांसफर करना चाहते थे, वो लोग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ट्रूकॉलर ने ऐसा भी बताया है कि ये एक बग रिपोर्ट है, उसका सॉल्यूशन भी हो गया है, यानी कि उसने तुरंत ही 12 से 24 घंटे के अंदर ही उसने दूसरा एक अपडेट जो है वो रिलीज कर दिया है। और दोस्तों, वो जो पिछला अपडेट था 10.41.6, उसमें ट्रूकॉलर ने ऐसा भी बताया है कि वो OTP के बिना कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने वो रिपोर्ट में बग रिपोर्ट ऐसा बताया है। तो दोस्तों, ये अगर आपने इंस्टॉल किया है तो फिर ये अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, या फिर आप अपडेट मार दीजिएगा। ट्रूकॉलर अगर आप यूज़ करते हो तो ट्रूकॉलर आप अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ट्रूकॉलर में ये UPI जो रजिस्टर्ड है वो डायरेक्टली आपके बैंक के साथ कनेक्टेड हो जाता है। दोस्तों, धीरज पटेल के अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जिसने ट्विटर में ट्वीट किया है, कई सारे लोगों ने तो नज़रअंदाज भी कर दिया होगा, क्योंकि उन लोगों को लगता होगा कि इसका कुछ भी काम नहीं है, या फिर इससे कुछ भी हो नहीं सकता है। दोस्तों, जैसे भी आपको इस तरीके का कुछ भी मैसेज आए तो आप उस पर सतर्क रहें और दूसरे लोगों को भी सतर्क रहने को बोलें। तो दोस्तों, ये थी अपनी आज की वीडियो की ट्रूकॉलर में कैसे UPI डायरेक्टली रजिस्टर्ड होता है और आपको ट्रूकॉलर इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी माने तो आपको ट्रूकॉलर जैसी कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें परमिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपका डाटा उनके पास कभी भी चला जाता है, किसी भी वक्त चला जाता है। दोस्तों, ऐसा भी बताया जा रहा था कि ट्रूकॉलर जो है वो अपना सारा डाटा डार्क वेब नाम की वेबसाइट को सेल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डार्क वेब है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो आपका डेटा किसी और के पास ना जाए, या फिर आपका डेटा किसी और चोरी ना कर ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल में बिल्कुल भी ना रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में कुछ नया जानने मिला हो, कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आगे भी कुछ नया जानना है, आगे भी कुछ नया सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इसके रिलेटेड आपको मुझे कुछ भी सवाल करना है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।